डॉन सिटी बयाना मार्ग स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष चल रहे हैं प्रशिक्षण शिविर में आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत शामिल होंगे। 5 से 7 जून तक सरसंघ चालक भागवत का समय केवल इन शिक्षण वर्गों के शिक्षार्थियों के लिए ही रहेगा। इस दौरान शिक्षार्थियों से परिचय, अनौपचारिक वार्ता, बौद्धिक और जिज्ञासा जैसे कार्यक्रम होते रहेंगे। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हिंडौन के शिक्षा वर्ग परिसर में एक पेड़ देश के नाम अभियान के तहत सर संचालक पौधारोपण भी करेंगे। जेट श्रेणी की सुरक्षा प्रात मोहन भागवत के प्रवास को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिविर स्थल के बाहर दमकल और एम्बुलेंस को भी खड़ा किया गया। इसके अतिरिक्त 3 चिकित्सक और 3 चिकित्सा कर्मियों की ड्यूटी शिविर स्थल पर 7 जून तक लगाई गई है। मोहन भागवत की ये यात्रा कई मायनों में अहम है। स्वयं सेवक उत्साहित है कि इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें संघ के प्रमुख मोहन भागवत को सुनने और नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा। आरएसएस से जुड़े पदाधिकारियों ने भी बताया है कि ग्रीष्म अवकाश में कार्यकर्ताओं के शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए 3 सप्ताह के संघ शिक्षा वर्गों का आयोजन होता है। इस साल राजस्थान में 2 स्थानों पर द्वितीय वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। इसी के कार्यक्रम के तहत मोहन भागवत का हिंडौन और उदयपुर में प्रवास कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। हिंडौन में 40 वर्ष से कम आयु के स्वयं सेवकों को शिक्षण शिविर में 200 से अधिक स्वयं सेवक भाग ले सकते हैं और इसके बाद 8 से 9 जून को 40 वर्ष से अधिक आयु के स्वयं सेवकों के विशेष द्वितीय वर्ष में उदयपुर भागवत प्रवास पर रहेंगे। तो मोहन भागवत 253 प्रशिक्षुओं से करेंगे मुलाकात। संघ के द्वितीय वर्ष के शिविर में 4 दिन का करेंगे प्रवास मोहन भागवत। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी वे पौधारोपण करने वाले हैं और इसी के साथ साथ प्रोटोकॉल के तहत कड़े सुरक्षा के घेरे में रहेंगे प्रशिक्षण स्थल जहां मोहन भागवत 253 प्रशिक्षुओं से करेंगे मुलाकात और सर संघ चालक मोहन भागवत 4 दिन के प्रवास पर रहेंगे। संघ के द्वितीय वर्ष का शिविर है ये। तो आज सरसंचालक मोहन भागवत हिंडौन सिटी में जहां पर संघ का द्वितीय वर्ष का शिविर है जहां 4 दिन के प्रवास पर रहेंगे मोहन भागवत और वहां पर 253 प्रशिक्षुओं से करेंगे मुलाकात। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी विष्णु जांगिड़ के साथ में। जी विष्णु, विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर पौधारोपण होगा सरसंघचालक मोहन भागवत के हाथों से हिंडौन सिटी में और यहां पर द्वितीय वर्ष का जो शिविर है उसके 4 दिन के प्रवास पर रहेंगे आज मोहन भागवत, तो क्या कुछ कार्यक्रमों की सूची रहेगी उनकी? देखिए, मैं आपको बता दूं, आरएसएस के सरसंघचालक जो मोहन भागवत जी हैं जी वो हिंडौन सिटी पहुंच चुके हैं और उनका जो है 5 से 7 जून तक जो है सर संचालक भागवत जी का समय है। 2 साल का जो द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण चल रहा है शिविर का, उसमें वो शिरकत करेंगे और 5 से 7 जून तक वो हिंडौन सिटी में ही रहने वाले हैं। इस दौरान वो शिक्षार्थियों से भी परिचय करेंगे और अनौपचारिक वार्ता, बौद्धिक जिज्ञासा जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हिंडौन के जो शिक्षा वर्ग परिसर में एक पेड़ देश के नाम अभियान के तहत सर संचालक मोहन भागवत जो हैं पौधारोपण भी करेंगे। जी राशि जी विष्णु, मोहन भागवत वहाँ हिंडौन सिटी पहुंच रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं वे और वहां पर जितने भी कार्यकर्ता हैं और प्रशिक्षु हैं काफी उत्साहित रहेंगे। उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल राखी जी, बता दूं आपको, मोहन भागवत के पहुंचते ही सुरक्षा के जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके वहां पहुंचने पर स्वागत भी किया गया है और जो सुरक्षा को लेकर है पूरी सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद राखी जी। धन्यवाद विष्णु आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो संघ के द्वितीय वर्ष के शिविर में 4 दिन के लिए प्रवास करने को सर संघ चालक मोहन भागवत हिंडौन सिटी